राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का दौर शुरू होने से पहले रामलीला समितियां भूमि पूजन का शुभारंभ करने लगी है। पूर्वी दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला बालाजी रामलीला कमेटी भूमि पूजन समारोह का विधिवत आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उप अध्यक्ष विष्णु मित्तल, विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष भाजपा संजय गोयल, पद्मश्री जितेंद्र सिंह, नगर पार्षद ज्योति रानी, जिला मौनिका पंत और रमेश गर्ग व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि सनातन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है जो खत्म हो जाएगी। पुरातन काल से चली आ रही हमारी संस्कृति को ही सनातन कहा जाता है। हर वर्ष रामलीलाओं का उत्सव होता है और दिल्ली में हजारों की संख्या में रामलीलाएं होती है। पूर्वी दिल्ली की बड़ी रामलीला है बालाजी रामलीला, भूमि पूजन है, आप भी आए, कैसा महसूस करते हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? बालाजी रामलीला पूरी दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला है, जहाँ तक मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लगभग 15 साल पुरानी रामलीला है और बहुत ही भव्य होती है। मैं बधाई देता हूँ भगवत पुस्त जी को, दिनेश गुप्ता जी को, यतेंद्र जी को, रिदेश जी को और इनकी पूरी टीम को कि ये इतना अच्छा आयोजन हर वर्ष करते हैं और पूरे डेडिकेशन से, और बहुत ही अच्छी रामलीला इस बार भी बहुत अच्छा भव्य मंचन ये करने जा रहे हैं। जिस तरह से दैनिधि ने कहा है कि सनातन का अस्तित्व जो है एक कीड़े मकोड़े की तरह, ऐसी स्थिति में कितना आप मानते हैं कि रामलीलाओं से हम उनको जवाब दे पाएंगे? सनातन के जितना विरोध करेंगे सनातन उतना ही ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। सनातन को ना कोई ख़त्म कर सकता, ना कोई ख़त्म कर पाएगा। सनातन पूरे वर्ल्ड में जिंदा है। आपने देखा अभी G20 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी उनकी संस्कृति और उसकी एक तरीके से पूरे मंदिर भी गए, सारी चीज़ों को देखा। तो सनातन को उनके कहने से क्या ख़त्म होगा, वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो वो चला रहे हैं। वही एक दिल्ली के मंत्री ने दिल्ली में जो पटाखों पे बैन लगाया है, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, तो पटाखे का यूज है, उसमें क्या कहेंगे? हम विरोध करते हैं पटाखों के बैन का, क्योंकि दीपावली का त्यौहार शुरू से हम पटाखों का मनाते आए हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा, पटाखे बैन होने के बावजूद भी क्या दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा? पिछली बार भी पटाखे बैन थे, लेकिन आप देखिए कितना AQI था दिल्ली का। तो बजाय पटाखों पे बैन करने के लिए कोई स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा ताकि दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या खत्म हो। खाली पटाखों के बैन से कुछ नहीं होगा। कौन सा वर्ष है इस बार जो रामलीला का पदार्पण शुरू हुआ आज भूमि पूजन का? ये हमारा 19वां वर्ष है जो बालाजी रामलीला कमेटी का ये भूमि पूजन हुआ है। किस तरह से इस बार मंच को सजाएंगे, क्या आपके बार की व्यवस्थाएं रहने वाली है? इस बार विचित्र रामलीला होगी, उसमें हम राम रावण का और जटायु का युद्ध हवाई मार्ग में दिखाएंगे, पंख गिरते हुए होंगे और नए नए आकर्षण हम लीला में लेकर आएंगे। खड़े हुए हनुमान जी सोयोजन पार जाएंगे, संजीवनी बूटी भी लेकर के आएंगे, राम रावण का युद्ध भी हवा में होगा, रावण सीता को हर करके वायु मार्ग से पंचवटी से लंका लेकर जाएंगे। इस रामलीला में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? इस रामलीला में हम 5 से 6 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार की करीब दर्शक आते हैं और मंत्रमुग्ध होकर के लीला का अवलोकन करते हैं, धर्म लाभ उठाते हैं, प्रभु की मर्यादा की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, मंदिर में भीड़ चाहिए, सड़क पर तूफान चाहिए, मुझे मेरा देश राम और कृष्ण में रंगा होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।